हेलो दोस्तों, मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी। यूपीएससी के आईएएस के वीडियो के तहत एक दो वीडियो पहले भी मैंने बताया था कि आंसर को एनालिटिक होना चाहिए। उसके बाद के वीडियो में बताया था कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम को क्लास 8 में कैसे लिखते हैं, 10th में कैसे लिखते हैं, 12th में कैसे लिखते हैं, ग्रेजुएशन में कैसे लिखते हैं, एमए में कैसे लिखते हैं और आईएएस में कैसे लिखते हैं। तो ये सब बातें हम लोग कर रहे थे। तो आज एक टॉपिक दिमाग में आ रहा है, जैसे कि पीटी होता है, पीटी प्रीलिम्स का एग्जाम, तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको उस में से एक सही आंसर चुनना पड़ता है और उसको टिक करके आंसर देना होगा। तो कभी कभी लोग जैसे बोलते हैं कि अरे वो भी तो मेरे ही इतना पढ़ा था, हम भी तो उतना ही पढ़े थे, पर उसका जो है मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन था तो 60 क्वेश्चन वो भी जानता था, 60 क्वेश्चन हम भी जानते थे, तो 60 का आंसर वो भी दिया, 60 का आंसर हम भी दिए, बाकी का जो 40 क्वेश्चन था उसमें हमारा तुक्का भिड़ा नहीं, उसका तुक्का भिड़ गया इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया, और हमारा तुक्का भिड़ा नहीं, हमारा गेस भिड़ा नहीं इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, नहीं तो नॉलेज तो दोनों का बराबर था, उसकी किस्मत अच्छी थी। किस्मत होता है दोस्तों, किस्मत होता है, मगर यहाँ पे जो ये तुक्का है उसका लक बढ़िया था, उसका गेस सही हो गया, ये गड़बड़ है, ये गलत है। किसी भी चीज को गेस करने की जो पावर होती है, तुक्का मारना भी एक कला है। एक तो ऐसे ही आंख बंद करके ABCD बी मार दी, भिड़ गया तो भिड़ गया, नहीं भिड़ा तो नहीं भिड़ा, और एक है जो सोच समझ करके बी मारे कि बी होना चाहिए, लग रहा है, तो उसके पीछे का तर्क क्यों होना चाहिए, क्यों लग रहा है, उसमें बहुत सारी चीज हो सकती है कि ए तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, अब होगा तो बी और डी, और ये बी और डी में कौन सबसे सटीक लग रहा है। तो इसको समझ करके जब आप चांस लेते हैं 50-50, तो आपके उस प्रश्न का आंसर सही होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो अगर कोई बोलेगा कि तुक्का मार दिया, तो ये तुक्का तो नहीं हो गया ना, क्योंकि दो तो कन्फर्म था कि नहीं होगा, बाकी दो में उसने गेस किया और कौन सा ज्यादा सटीक लग रहा है उसको टिक किया। तो ये जो चीज है, उसका तुक्का मार दिया, उसका सही हो गया, मेरा सही नहीं हुआ, मेरी किस्मत, यूपीएससी में तुक्केबाजी नहीं होती है कि तुक्का से हो गया, यूपीएससी है यहाँ तुक्का बुक्का से काम नहीं चलता है। ये जो आप गेस करते हैं या जो आप कुछ आंसर को सोचते हैं, वो आपके ज्ञान के आधार पे होता है कि आप पे कितना ज्ञान है, आप कितना थोरो पढ़े हैं, और उस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को आप कैसे सोचते हैं, और उस प्रश्न को उस तरह से सोचने के बाद उसका जो ऑप्शंस है ABCD, उसमें से आप किसको टिक मारते हैं, समझ ही रहे बात को। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए कि बोला जाए कि 1860 में एक बहुत ही ज्यादा बारिश हुआ, रेन हुआ, और उस रेन के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो बताइए वो कौन सा जगह था, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडोनेशिया। तो इंडिया है इसलिए इंडोनेशिया पे नहीं मार देंगे। अब ये 1860 का पूछ रहा है, बोलेगा ये 1860 का नहीं पूछ रहा है मेरे भाई, ये आपका कॉमन सेंस चेक कर रहा है कि इतना भारी बारिश कहाँ हो सकता है, इतने इतने लोग मर जाएंगे। तो सबसे पहला चीज तो कि वेदर कहाँ पे हेवी रेन होता है, इतने लोग मर गए तो पॉपुलेशन, अरे मरने के लिए आदमी भी तो होना चाहिए ना। अब जैसे कनाडा का बात किया, वहां पे बारिश होगा तो क्या 10 आदमी मरेगा,
पॉपुलेशन ही नहीं है तो कैनेडा तो होगा नहीं, भारी संख्या में लोग मर गए तो कैनेडा तो गायब। अब अमेरिका में जो है रेन भी होता है और भारी लोग, अमेरिका एक जो है डेवलप कंट्री है तो वो बचाएगा अपने आप को। अब 1860 का बात हो रहा है तो 1860 में भी वो अच्छा खासा डेवलप था और इतनी ज्यादा भारी वहां पे तूफान आता है समुद्र में, समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में, तो वहां पे भी रेन जो है ये तूफान के कारण मरना अलग बात है और एक बारिश के कारण इतना बारिश हो गया कि जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया तो ये अलग बात है। तो इस आधार पे जो है अमेरिका को भी आउट किया जा सकता है। अब बचा बात ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में है, वहां पे इस तरह का घटना बहुत कम सुनने में मिला है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा रेनफॉल हो गया। अब बचता है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया दिए थे ऑप्शन में, तो इंडोनेशिया क्या है साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो यहाँ पर जो है इंडिया में भी मानसून है और इंडोनेशिया में भी मानसून है और मानसून के टाइम में जो है, आज के मौसम तो थोड़ा बदलाव हो गया है पर उस समय का मौसम में बहुत बारिश होती थी, तो इंडोनेशिया में मानसून, चूंकि रेन मानसून का जो सीजन होता है तो वहाँ पर इंडोनेशिया में भी बारिश होती है, तो एक संभावना बनती है कि ये कहीं मानसून के बारिश के कारण तो पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा लोग नहीं मर गए और इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा लोग भी है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो इस तरह से कहीं पे पहुंच रहे हैं कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। अब बोलेगा 1860 का क्वेश्चन पूछ दिया तो ये तुक्का नहीं है, ये आप अपने नॉलेज से, ज्ञान से आंसर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दूसरा सोच रहे हैं कि तुक्का है। ये मैं छोटा सा एग्जांपल बोला, ऐसे आएगा नहीं इस तरह से, मगर चीजों को समझने के लिए मैं ऐसा छोटा सा एग्जांपल बोल रहा हूं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से कि यूपीएससी में प्रश्न के उत्तरों को कैसे देना है, आंसर को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, और उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला एक दो वीडियो में मैं जीएस जनरल स्टडीज से रिलेटेड जो है वीडियो भी अब स्टार्ट कर दूंगा। तो देखते रहिए नेवीरे कोचिंग, आईएएस बनना है तो देखते रहिए, और नहीं भी देखिएगा तो भी बनिएगा, चिंता मत कीजिए, अकेला नहीं हूँ मैं, इस दुनिया में बहुत कोई है, तो देखते रहिए नेवीरे कोचिंग, सबके विचार सुनिए और समय का मगर सदुपयोग कीजिए, है ना, इधर उधर ज़्यादा मत झाँकिए, एक जगह पकड़िए और निकल पड़िए। पहले जांचिए पढ़िए कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए और उसको पकड़िए और निकल पड़िए उसके साथ, फायदा देगा। अगर हमसे फायदा नहीं है तो कहीं और पकड़िए, किसी और को पकड़िए, पर समय पर बात मत कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग नेवीरे कोचिंग, थैंक यू वेरी मच।